हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में। नीट और जेईई मेन एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस, उसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको डिफरेंट टोटल डिफरेंट टेक्निक के थ्रू आपको सिखाते हैं बॉस। ऐसी टेक्निक्स की आप देख के दंग रह जाएंगे यार, आप टोटली सरप्राइज हो जाएंगे, यू विल बी अमेज्ड कि यार इतने फास्ट तरीके से भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं क्या, राइट। डेफिनेटली गाइज, ठीक है। और अब आपको ये बात समझ में आ भी गई होगी, कंसेप्ट के साथ साथ अगर इस तरीके की डिफरेंट टेक्निक आप सीख के जाएंगे तो अमेजिंगली आप फिजिक्स में एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे सबको डर लगता है, मैक्सिमम बच्चों को डर लगता है पूरे इंडिया में, उसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करके आने वाले हैं बच्चों। और ये मेरा टारगेट है, देखो मैं मतलब ये करके रहूंगा, आपको सिखा के रहूंगा और इतना माइंडसेट स्ट्रांग आपका बना दूंगा कि आपको भी फिजिक्स आएगी और आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 100%। क्योंकि अगर आप शिद्दत के साथ अपने नीट जेईई की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरा फर्ज है कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं हमेशा आपको देता रहूंगा, राइट। तो आज के क्वेश्चन हम बात करेंगे ग्रेविटेशन से, अमेजिंग प्रॉब्लम है, मतलब बहुत चांस होते हैं कि इस कैटेगरी का क्वेश्चन आने के चांस, इसमें जो फॉर्मूला इन्वॉल्व है उसके आने के चांस काफी होते हैं एग्जाम में, और आता भी है और आया भी है, हर एग्जाम में आया है, मैं सही बताऊं तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, राइट। तो चलो देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद बाकी बातें बाद में देखते हैं ना बॉस, ठीक है। उसने बोला बॉल हैंगिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय एक्स नॉट एट द अर्थ सरफेस। एक बॉल है जो एक स्प्रिंग पे आपने हैंग करा रखी है। लेट्स सी कंडीशन, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। ये हमारा अर्थ है और अर्थ का सेंटर है, ये इसकी रेडियस होगी और कोई स्प्रिंग यहाँ पे होगा इस तरीके से, और इस पर एक बॉल को यहाँ पे हैंग करा रखा है, और ये बॉल जैसे हैंग करेंगी तो इसका वेट नीचे को लटक जाएगा mg, ये आप देख सकते हैं, और ये स्प्रिंग खींचेगा नीचे तो उस पर स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर को, दैट इज kx। नई सिचुएशन बनेगी ऑब्वियसली, ऑब्वियस है सर। तो वो बोल रहा है कि जब ये स्प्रिंग एक्सटेंड करेगा नीचे को तो उसमें एक्सटेंशन हो रहा है एक्स नॉट इनिशियली, जब ये अर्थ के सरफेस पे, ये एट द सरफेस ऑफ अर्थ है, एट सरफेस ऑफ अर्थ, ये आप पहले ही देखेंगे क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अमेजिंग न्यूमेरिकल है यार, टेंशन नहीं ले बॉस, लेकिन अमेजिंगली फोड़ेंगे भी हम इसको, ठीक है। हाउ मच विल द सेम बॉल स्ट्रेच द स्प्रिंग एट ए हाइट ऑफ एच, नो R/4, ठीक है, अबव द अर्थ सरफेस। वो बोल रहा है कि अगर मैं, ये हमारी अर्थ है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, इस स्प्रिंग को किसी हाइट पे लेके जाओ, ठीक है, अर्थ के सरफेस से बाहर यहां पे कहीं लेके जाओ और यहां पे रखो, अब बॉल को हैंग कराओ, और ये जो हाइट है ये h दे रखी है आपको R/4, r रेडियस है अर्थ की, मतलब ये काफी ज्यादा हाइट है क्योंकि ये रेडियस के टर्म्स में दे रखी है, बहुत ज्यादा हाइट है, राइट। अब इस पे फिर से सेम बॉल पे वो मास लटकाया जाता है, ये बॉल सेम स्प्रिंग पे लटकाई जाती है तो ये नीचे को जाएगी mg, चूंकि ये हाइट पे गई है, अर्थ के सरफेस से बाहर गए हो आप स्प्रिंग को लेके, तो जी चेंज हो गया, लेट्स सी g', तो फिर से ऊपर को एक फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स, और उसको आप लिखेंगे kx', क्योंकि न्यू x' आपने निकालना है, बताओ उसमें नया स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा, स्प्रिंग न्यू अमाउंट से कितना स्ट्रेच कर जाएगा, यही पूछा गया है। हाउ मच विल द सेम बॉल स्ट्रेच द स्प्रिंग, मान लिया इतने अमाउंट से उसको स्ट्रेच करेगी, क्वेश्चन समझ में आया? यस। पहले वो अर्थ के सरफेस पे थी, अब उसको अर्थ के सरफेस से बाहर लेके गए, दिस इज द क्वेश्चन, आएगा ना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज हो रखा है, ठीक है, दिख भी रहा होगा आपको। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे वी फंडा ट्रिक, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो तो मैं सिखाऊंगा ऑब्वियस है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा रिवाइज करा दूं आपको, वो भी पता होना चाहिए यार सर, मजा आ जाएगा फिर तो, अगर कंसेप्ट भी पता चल जाए और वी फंडा ट्रिक भी पता चल जाए तो जिंदगी में और क्या चाहिए, बस यही तो वो चीज़ है जो हर कॉम्पिटेटिव एस्पिरेंट को जरूरत होती है। तो यार सर कंसेप्ट के लिए क्या करेंगे, इमेजिन करो ये सबने पढ़ रखा है कि जब अर्थ के सरफेस पे है मास mg, ठीक है, तो ये mg इस स्प्रिंग पे नीचे को अपना वेट एक्ट करा रहा है और इस पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगे, अगर मैं इक्विलिब्रियम मान लूं तो मैं लिखूंगा mg इक्वल टू kx, ये लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा, और ये जो g यहां लिया है सरफेस वाला है, ठीक है, सबको पता है। फिर आप इसको किसी हाइट पे लेके चले गए तो वहां पे mg' को लिख सकते हो, mg' इज इक्वल टू kx' इक्वेशन नंबर 2, यहां पे जी और यहां पे g' है, ये हाइट वाला जी है, यानी g' हाइट वाला है, और याद करो ये होता था g एट सरफेस r ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर,
है ना। ये भी मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, अगर आप वाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो और लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी बॉस, इतना सोचना पड़ेगा, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन होएगा ना बॉस, अदरवाइज फंस जाएंगे ना यार, राइट। फिर इसको डिवाइड करो, फिर सॉल्व करो, फिर आपका आंसर आएगा, क्योंकि सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है आप सबको पता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और किसी हाइट पे जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर इनका यूज करके सब बनाया जाएगा, तब आप सॉल्व करोगे, इनको डिवाइड करके जो भी बचेगा, ये आपको एक्स नॉट दे रखा है, ये निकालना है, जी सरफेस पे नॉन होता है, जी डैश यहां से निकाल सकते हो या यहां से निकाल सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू, दिस इज द कंसर्ट। बट व्हाट इज द वी फंडा ट्रिक सो दैट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, देखते ही हमने पढ़ना है क्वेश्चन बढ़िया तरीके से और देखना है उड़ा देना है। तो दोस्तों इस कैटेगरी का क्वेश्चन कभी भी आएगा इसी कंडीशन पे बेस्ड, राइट। तो एक्स डैश निकालने के लिए यानी न्यू एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, जब उस कंडीशन यही है कि स्प्रिंग को किसी हाइट पे लेके जाना है बॉस, जो कंपैरेटिवली ऑफ यू नो आर के टर्म्स में गिवन होगी, तो ओरिजिनल कितना है एक्स, वन मान लो ना, वन मान लो चलो, और यहां लिखेंगे हम आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एकमात्र ये फॉर्मूला आप यूज करें, फटाक से इसमें वैल्यू पुट करें और आपका आंसर बन जाएगा, विदाउट कि ये सोचे कि आप इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे एंड ऑल, बस आपकी कंडीशन आपने याद रखनी है और ये याद रखना मेरा ये बटा, राइट। तो एक्स डैश आपका आ जाएगा, ओरिजिनल दे रखा है एक्स नॉट गाइस, और आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आर प्लस कितनी हाइट पे लेके गए, बस इस बात पे ख्याल रखना है कितनी हाइट पर लेके गए थे, आर बाई फोर वो पुट कर दो और आपका आंसर आपके सामने है बच्चों, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो एक्स डैश आपके पास आ गया, एक्स नॉट R से कॉमन आके कैंसिल, तो 1 बाई ये है 1 बाई 4, ये है 1, तो ये बनेगा 5 बाई 4 इस पूरे का होल स्क्वायर, जिसको आप लिखेंगे x डैश इज इक्वल टू x नॉट, 5 4 ऊपर जाएगा 5 नीचे, इसका स्क्वायर एंड दैट इज 16 x नॉट बाई 25 एंड दिस इज योर आंसर गाइस, ठीक है। इतने अमाउंट से अगर उसको हाइट पे आप लेके जाओगे वो उसको स्ट्रेच करेगा, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस इज अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला, इससे करेंगे या इससे करेंगे अब आपने डिसाइड करना है, मैंने अपना फंडा आपको बता दिया, कंसर्ट भी बता दिया। देखो भाई अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कंसेप्ट वाइज जाएंगे, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कि आप तैयारी करना चाहते हैं, इवन अगर आप 11th क्लास में बैठे हो और इस लेक्चर को देख रहे हो, 12th क्लास में और लेक्चर को देख रहे हो, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वाला मेथड है भाई, डिसाइड आपने करना है कि क्वेश्चन को इन एग्जाम में आप कम समय में सॉल्व करना चाहते हो या ज्यादा समय में सॉल्व करना चाहते हो, राइट, है ना। तो ये आपने करना ऑब्वियस है, वो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है बच्चों। और अगर आप चाहते हैं यार सर वाओ अगर मजा आ जाएगा अगर इस तरीके की बहुत सारी टेक्निक हमें एक साथ मिल जाए, यस मैंने अपनी बुक बना रखी है बच्चों, वो इसलिए बनाई है, वो इसलिए नहीं बनाई है यार कि जैसे नॉर्मल बुक होती है उसमें थ्योरी होती है, ये होती है, वो होती है, एंड लेंथी सॉल्यूशन, ना 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 ना, वो टोटली डिपेंड कर रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो नीट और जेई में आते हैं और आपका माइंडसेट ओपन अप करने के लिए कि क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से फास्ट वे में भी सॉल्व किया जा सकता है जो कॉम्पिटिशन की डिमांड होती है। तो वो बुक बहुत लो कॉस्ट पे है आपके लिए पर बहुत अमेजिंग आपको सॉल्यूशन करके देगी, मतलब आपको खुद में फील आएगा अगर फिजिक्स आपकी प्रॉब्लम है, आपको लगता है फिजिक्स में मेरा चेस कॉल नहीं होता है, तो आप उसको यूज करें, कंसेप्ट जरूर आने चाहिए, देखो कंसेप्ट भी आने चाहिए, कंसेप्ट जरूर है पर कंसेप्ट के साथ साथ अगर शॉर्ट ट्रिक के फंडे भी आपके क्लियर हो जाए तो ये सोने पे सुहागा टाइप की बात हो जाती है कि आप मचा के आने वाले हो एग्जाम में, आप पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाने वाले हो। अगर किसी बच्चे के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 100 मार्क्स फिजिक्स में आ रहे तो शॉर्ट ट्रिक भी अगर वो सीख के जा रहा तो 3-4 क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक वाले अगर उसने कम समय में कर लिए तो 40 प्लस क्वेश्चन मार्क्स वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर सकता है, ये फायदा है इन चीजों का, ठीक है। तो बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं और वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कोई भी सजेशन किसी भी टाइप का हमें दे सकते हैं, हम उसको नोट करेंगे वन बाय वन, फिर मैं उनको आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा 100%, लेकिन आपने देना है। और एक चीज और जरूर करनी है बच्चों की, यार कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये लेक्चर्स, ये टेक्निक्स, ये कंसेप्ट आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, सो प्लीज आप ये लेक्चर्स दूसरे बच्चों तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि सबकी हेल्प होनी चाहिए, है ना। हर बच्चे को नीड होती है कि फिजिक्स में कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे क्वेश्चन हमसे जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगे, तो आपने सबकी हेल्प करनी है, आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो शेयर करना है कंटेंट को, कमेंट करके बताना जरूर है मेरे को, कोई भी क्वेरी करनी होती है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, कुछ भी सजेशन देना हो, कुछ चेंज करने के लिए वो भी
मोस्ट वेलकम, और कुछ भी जो अच्छा आपको लगे है ना रिगार्डिंग टू दिस, है ना, यही मैं चाहता हूँ, यही मेरे लिए मेरा कॉन्फिडेंस है आपकी तरफ से, ठीक है बच्चों। और हाँ, अगर आपको ये लगता है आप 11th क्लास में, 12th क्लास में, या फिर आप जेई और नीट के ड्रॉपर ईयर ड्रॉपर स्टूडेंट और आपकी फिजिक्स अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो बेसिक से अच्छे लेवल तक कंबाइंडली पूरे कंप्लीट फिजिक्स पे आप कमांड बनाना चाहते हैं, तो भाई हमारा ऑनलाइन कोर्स है, अमेजिंग है। अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट हम वो लेक्चर्स आपको देंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे, पूरे साल भर आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उस कोर्स की। पर्सनली मैं आपसे बात करूंगा और आपको गाइड करूंगा उसमें, इस तरीके से हमने उस कोर्स को डिजाइन करा है, ठीक है बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट।